हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन, सरसों का साग और पालक। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम बनाएंगे हम बताते जाएंगे आपको क्या क्या डालना है। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने, इसमें हम डाल देंगे। साथ में इसके गोश्त भी डाल देंगे। तो गोश्त डालते हैं, इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट के लिए। गोश्त 2 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए अच्छे से भून गया है, इसका कलर एकदम बदल गया है, व्हाइट हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे साथ में, और ये मसाले डाल देंगे हम। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डालेंगे। तो हमने भुना हुआ जीरा और पिसा हुआ गर्म मसाला लिया है, और 1/2 चम्मच नमक लिया है। ये सब चीज़ हम इसमें डाल देंगे, और 300 ग्राम हमने मटन लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब इसमें मिर्ची डाल देंगे, मैंने मिर्ची साबुत डाली है, आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमारा गोश्त भून गया है। अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारा मटन गल जाए। तो ये हमने 2 कप पानी डाल दिया इसके अंदर, और अब हम इसमें 2 सीटियां लगा लेंगे। खोल कर देख लेते हैं मटन हमारा कैसा है। मटन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें साग डाल देंगे अपना। साग को पानी में से अच्छे से निचोड़कर हाथ से दबाकर इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे, और फिर हम इसमें सीटी लगा देंगे। ये सिर्फ 1 या 2 सीटी में हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम खोल के देख लेते हैं, इसकी हवा निकाल देंगे एक्स्ट्रा। ये देखिए कुकर हमने गैस हमने बंद कर दिया था 5 मिनट के लिए। ये देखिए ये मटन साग हमारा बनकर तैयार हो गया है, सरसों का साग। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची डाल देंगे 2, और इसको 5 मिनट के लिए और बंद करके रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मटन साग गोश्त बहुत ही टेस्टी मजेदार बनकर हमारा तैयार हो गया है। ये बहुत ही लजीज बना है, और इस पर थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल दीजिए। बहुत ही मजेदार मटन सरसों का साग बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप इसको बनाइए और मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ गर्मा गर्म खाइए, ठंडी के दिनों में बहुत अच्छा लगता है ये। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी अच्छी डिशें बनाइए, खुश रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक अच्छी डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।